राज का पूरा अधिकार राज चलाने का हमेशा मुख्यमंत्री के पास होता है। मेरे पास भी आप लोगों ने महाराष्ट्र की जनता ने मुझे 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया था और साथियों को भी मिला था। शंकरराव चौहान थे मराठवाड़ा से, शिवाजीराव निगड़ियेकर थे मराठवाड़ा से, पृथ्वीराज चौहान हो, सुशील कुमार शिंदे हो, वो ऐसे महाराष्ट्र से थे, सुधाकर नाईक विधायक से थे, वसंत राव नाईक 11 साल तक विधायक होते थे। इस राज के सभी विभाग के इंफॉर्मेशन लोगों को राज नेता को राज चलाने का मौका दिया गया था। यहाँ जब राज चलाने का मौका मिलता है तो पूरे राज की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी होती है, मगर साथ साथ ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान उनका होता है और उसका फायदा उस प्रदेश को भी मिलता है। और मैं ये चाहता था और मेरा इंप्रेशन ये था कि फिर से 5 साल रिजर्व के नेतृत्व को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला था और इससे यहाँ जो समस्या आप लोगों ने देखी शायद इनमें से बहुत सी समस्या तब हल होने की आवश्यकता थी। लीडरशिप में एक डेवलपमेंट का अप्रोच चाहिए विकास की दृष्टि, और मैं खुशी से कहता हूँ जब मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ तो फिर भाई हम साथ वहाँ बैठे कई समस्या आती है, सरकार से झगड़ा भी होता है, हम अलग अलग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार एक अलग विचारों की वहाँ बैठी है, मगर इस गवर्नमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा पूरी देश की हिफाजत कैसी हो इस पर ध्यान देते हैं, वो प्रादेशिक बात उनके मन में कभी आती है। मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ, उस पार्लियामेंट में किसी पॉलिटिकल पार्टी के सांसद के कोई भी ठीक समस्या हो, वहाँ के लोगों की समस्या हो और वो दूर करने का अधिकार किसी मंत्री के पास हो तो तुरंत इस पर कदम उठाने वाले समस्या हल करने वाले एक वे मंत्री है जिनका नाम नितिन गडकरी। तो मैं देखता हूँ, कई बार देखता हूँ, एक डेवलपमेंट का एंगल उनका हमेशा होता है, विकास के लिए समर्थन देने की उनकी नीति रहती है। वो कभी देखते नहीं कि ये एनसीपी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये बीजेपी के हैं या और कुछ है, उस एरिया की उस क्षेत्र की ये समस्या इम्पोर्टेंट समस्या है और वो दुरुस्त करने का अधिकार मुझे मिला है तो मैंने कुछ न कुछ कदम वहाँ उठाने की आवश्यकता है और इसे इस तरह से वो काम करते हैं। इसी तरह से बाकी सभी साथियों ने यह अप्रोच मन में लेकर जो काम किया तो मुझे लगता है कि आपने जो समस्या रखी इनमें से कई समस्या का हल इससे पहले भी हो सकता था। हम लोगों ने कोऑपरेटिव के माध्यम से कई चीज़ें भी खड़े किए और मैं देखता हूँ कि जब दिवाली आती है दिवाली से पहले हमारी चीनी में किसानों को गन्ने की कीमत देने का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो देते हैं और जब उनके हाथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है तब पूरा मार्केट इसमें एक अलग तरह का माहौल मिलता है देखने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों की परचेज करने की ताकत वो बढ़ती है और जब ताकत बढ़ती है
तब तेज में तरक्की आ सकती है। और इससे किसी राज्यकर्ता देश चलाने वाले लोगों को उनकी एक जिम्मेदारी, उनका एक फर्ज है कि अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करे, कृषि सेक्टर कैसा मजबूत करे, उद्योग सेक्टर कैसा मजबूत करे, जेल व्यवहार इसमें कैसी वृद्धि हो जाए। और इसीलिए देश में जिन राज्यों में इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है ऐसे हम समझते हैं, इसमें हमेशा महाराष्ट्र का नाम आता है। और एक बात का मुझे स्वीकार करना पड़ा, वो स्वीकार मैं करना चाहता हूँ क्योंकि वो स्थिति है कि इसमें महाराष्ट्र का नाम है मगर इसमें रीजनल इम्बैलेंस है, प्रादेशिक असमता आज ये ठिकाने देखने के लिए मिलती है। और रीजनल इम्बैलेंस जब हम दूसरे नहीं कर सकते तब तक ओवरऑल अर्थव्यवस्था में सभी सेक्टर को, सभी युवा को, सभी जिले को इसका लाभ हो नहीं सकता। और ये करने के लिए कोई भी राज की हुकूमत चलाने वाले लोग हैं उन्हें इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती। आज मैंने कुछ बातें आप लोगों से सुनी।